नमस्कार, चंबल प्रभा न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आ रहे बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली खबर मिले सबसे पहले आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका चंबल प्रभा डॉट कॉम में। इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे करौली धौलपुर लोकसभा सीट का हाल, आखिर वहां कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन सी पार्टी आगे है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे 2 मिनट के वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और यूट्यूब चैनल चंबल प्रभा को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं करौली धौलपुर लोकसभा सीट का हाल। मनोज राजौड़िया और संजय कुमार जाटव, इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। संजय कुमार जाटव यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और मनोज राजौड़िया यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। मनोज राजौड़िया का यहाँ पर भारी नजर आ रहा है और संजय कुमार जाटव यहाँ पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। पहले बात करें तो यहाँ पर मनोज राजौड़िया का खुलकर विरोध हो रहा था, यहाँ की क्षेत्रीय लोग है जो मनोज राजौड़िया का खुलकर विरोध कर रहे थे। अगर यहाँ पर वोट की बात करें तो यहाँ पर निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर यहाँ पर वोट किया गया है। संजय कुमार जाटव यहाँ पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि मनोज राजौड़िया जो भारतीय जनता की पार्टी के प्रत्याशी है वो लगातार यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। मनोज राजौड़िया और इनके वोटों की बात करते हैं तो सबसे पहले बीजेपी के मनोज राजौड़िया हैं, इनके वोटों की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2,33,318 वोट यहाँ पर इनको पड़े हैं, यानी कि कुल वोटों का 52.48% वोट इनको पड़ा है। यहाँ पर वोटिंग की जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है। यहाँ पर आप अगर बात करें संजय कुमार जाटव की तो यहाँ पर आप संजय कुमार जाटव का वोट प्रतिशत भी देख सकते हैं, 43.2 यहाँ पर वोट प्रतिशत है संजय कुमार जाटव का और इनके वोट पड़े हैं 1,92,030 वोट, यानी कि तकरीबन मनोज राजौड़िया वोटों से इतने आगे हैं। तो ऐसे में कह सकता है कि बड़ी लीड यहाँ पर मनोज राजौड़िया के पास है, इस कारण संजय कुमार जाटव यहाँ पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से बीजेपी यहाँ पर पार्टी जीतती दिख रही है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।